अभी एजाज भाई के बाड़े पे आए हैं, फार्म पे आए हैं। ये जो है ये उधर के लिए बकरियां हैं जो तैयार करवा रहा है। हम इसको चेकिंग करने हैं कि इसकी प्रेगनेंसी सेफ है कि नहीं है, क्योंकि ये हर जो भी उदा का ईद आता है और उदा आता है तो ये चेक करवा करके फिर जाता है और ये प्रेगनेंसी सेफ करवा के जाता है, ताकि वहीं कराची के जो भी लोग हैं तो इसको चेक कर लें, जो कहीं भी वहाँ पे बकरियाँ कुश्ती हैं, ज़िबा होती हैं, तो इस पे बच्चा निकलता है। इसलिए ये जो आदमी है वो चेक करवा के और अच्छी तरीके से वैक्सीन करवाता है और अच्छी तरह का जो चारा है वो देता है। वो अब आगे अब इससे पूछेंगे। एजाज भाई जी, आप इस बकरियों को कितने अरसे से रख रहे हैं? अभी मेरे को 20 साल हुए हैं। अच्छा, हाँ, पहले बकरे रखता था, उसके बाद बकरों को छोड़ दिया, ये रखे हैं हमने अभी। अच्छा अच्छा, अब ये है कि ये को 2.5 लाख का लिया है, को 2 लाख का लिया है, को 1.5 लाख का लिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, घास मास दे रहे हैं, चारा वंडा मिला के दे रहे हैं, क्योंकि गोश्त अच्छा हो जाए। इसलिए आप भाई को मैंने बुलाया है कि इनको चेक करो कि कोई गबन तो नहीं है। जो गबन गबन होती है हम लोग वहाँ नहीं बेचते। वो जो जो भी गबन है, आपकी प्रेगनेंसी है, जो डुकपन है, वो चेक करवाते हैं, चेक करवाते हैं। अगर वो होती तो हम घर पे छोड़ के आते हैं, उसको नहीं ले आते, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम दे ले आते हैं, हमें वो बात नहीं है उनकी, बस अपने घर से जो बच्चा ले जाए तो उसकी तस्दीक होए, क्योंकि मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ। जिसको भाई को देता हूँ उसको शनाख्त कार्ड की कॉपी भी देता हूँ, भाई ये गबन है तो मुझे पैसे नहीं देना, फ्री में ले जाओ। फिर अगले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से उन्होंने ली थी, वो भी अच्छी गायें थी। अभी भी बात कर रहे हैं मेरे साथ के भाई अगर ले आओ तो पहले हमें दो। अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई के फार्म पे ये देखेंगे, ये जो बकरियाँ हैं ये बिल्कुल तैयार हो रही हैं। अभी जो है रमज़ान स्टार्ट कर रहा है, कल जो है रमज़ान का पहला रोज़ा है। हम ये चेक कर रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से वैक्सीन भी करवाता है और हम ये यूट्यूब पे रख रहे हैं, अपने चैनल पे रख रहे हैं। अभी एक बकरी को जो है बुखार है वो चेक करने आए हैं कि इसको बुखार है कि नहीं है और इसके इलाज करेंगे। और ये जो है जो भी माल लेके जाता है और इसको वैक्सीन करवा के और अच्छी तरीके से जो है उसको लेके जाता है कराची में, नहीं है एजाज भाई? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह।